मेन पर्पस क्या था आपको इसको लेने का, भाई मेरे को ये चीज करनी है? मेन पर्पस तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ हवाबाजी। हेलो मेहन पवार, आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आज हम जावा की आपको एक बाइक दिखाएंगे। अपने साथ एक भाई हैं तो उन्होंने ली है फिलहाल में ये बाइक। तो ये भाई हैं, इन्होंने कहा थोड़ा इसके बारे में बनाते हैं, कैसी बाइक है और क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले भाई से मिलते हैं। भाई नाम? रोहित यादव। भाई कब ली थी आपने ये? भाई ये मैंने परसों ली है रात को, और 350 cc में है ये। परसों का मतलब डेट बताओ, लोग कभी कोई कभी देखता है कभी। परसों क्या तारीख थी यार? 31 अगस्त को लिए भाई। और आप बता रहे थे बहुत ज़्यादा वेटिंग है। हाँ, 6 महीने की वेटिंग चल रही है भाई इसमें। जनवरी में बुक करी थी, अब जाके मिले, बीच में लॉकडाउन हो गया था उस वजह से भी काफ़ी लेट हो गई। प्राक तो क्या खास लगा भाई, कितने की पड़ती है भाई? 2021 की पड़ती है भाई, ऑन रोड ये। और एक ही कलर है, एक ही वेरियंट है इसमें। क्या खास है इस बाइक में जो आपने इतना वेट करा है? सबसे पहले तो भाई इसकी लुक। अच्छा, इसका लुक और इसका जो डार्क कलर है, ये नाइट डार्क जो कलर है, एक ही कलर आता है, बहुत प्यारा लगता है अपने को, तो दिल को भागी भाई। दूसरा भाई इसमें पावर काफी अच्छी है। कितने सीसी का इंजन है इसका? 350 cc का इंजन है, लेकिन इसमें 33 horsepower है। टॉर्क सर इसका 36 निकालता है। बाकी जावा का आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इंडिया में भाई? आफ्टर सेल सर्विस तो पता चलेगा जी, अभी ली है गाड़ी भाई। वैसे इनकी अब तक सिर्फ दो ही बाइक आती थी, क्लासिक और 42। ये तीसरी बाइक है इनकी। गुड़गांव में एक ही शोरूम है, दिल्ली में तो काफ़ी सारे शोरूम हैं इनके। बाकी बुलेट क्यों नहीं ली भाई? बुलेट लेते हैं अपने आगे। बुलेट तो हर गली में है यार। अच्छा, नहीं आप ही बता दो, इनके पास ही है यार बुलेट तो। इसमें ये ऐसा कुछ मीटर मिलता है आपको, जिसमें ये फ्यूल का इस तरीके से पता चलता है, 1/4, 3/4, 4/4, तो कितनी चल चुकी है। 135 चला दी भाई हैं भाई। हाँ भाई, यहाँ पे स्पीडोमीटर आते हैं, साइड तक की स्पीड है। ABS आता है इसमें भाई? ABS है भाई, दोनों में डिस्क ABS आ जाता है। हेडलैम्प्स अगर हम देखें तो हेलोजन मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हॉर्न मिलता है, हॉर्न एक बार बजाना कैसा है। और एक बंदे बैठेगा बस इस पे? सिर्फ सिंगल सीटर है, डबल सीटर नहीं आती है। डबल सीटर नहीं आती भाई। और यहाँ पिलियन बैठाना हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, बट आगे शायद आ जाए। यहाँ पे लाइट जलती रहती है पीछे को, पिछले वाले बंदे को दिखाने के लिए। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट लगेगी। ये कुछ एग्जॉस्ट इसका आता है, आवाज़ सुना ना भाई, आवाज़ कैसी है? डोल साइलेंसर हैं। मिरर देखो, मिरर भी बिल्कुल अलग है भाई इसमें। यहाँ से आप इसकी चाबी लगा सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ करने का इसका होता है। बाकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या बताते हैं भाई वो लोग? भाई 3000 रुपये बता रहे थे वो। 140 70 17 मिलते हैं। हाँ, ये कूलिंग के लिए ये मिल जाता है, जब गर्म हो जाती है बाइक तो अपने आप इंजन कूल हो जाती है। अब एक बार थोड़ा चला के देखते हैं इस बाइक को। चलाओ भाई, थोड़ा रिव्यू बताओ भाई, चलाने के मामले में कैसी है? चलाने के मामले में पिकअप बहुत अच्छा है इसका। भाई ऐसे नहीं लगता बंदा बहुत नीचे नीचे बैठा है? हाँ, काफी कंफर्टेबल है। हाँ, बहुत रिलैक्स फील कराती है। राइड एंजॉय करेगा कोई भी इसको चलाएगा ना। हाँ, इसको मजा बहुत। मेन पर्पस क्या था आपको इसको लेने का, भाई मेरे को ये चीज करनी है? मेन पर्पस तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ हवाबाजी। बाकी ना तो इससे ऑफिस जाना। हाँ, ना इससे कहीं कोई काम करने जावा से हवाबाजी हो जाती है भाई? हवाबाजी तो आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? हाँ, थोड़ी यूनिक तो है, बंदा देखेगा तो सही। ABS बहुत अच्छे काम करते हैं इसके। अच्छा, टायर बिल्कुल भी फ्री बढ़ा रखता है रोड पे, पटने नहीं देता। वैसे तो अभी नहीं है, तो अभी और आगे आगे एक्सपीरियंस होगा मेरे को। हाँ, अभी तक 135 किलोमीटर में तो चलाई, कुछ बेकार लगा इसके बारे में? बेकार इसमें बस दो चीज़ें बेकार लगी मेरे को। एक तो हम इसको स्लो चला के जो मज़ा लेते हैं वो नहीं ले सकते। क्यों? मतलब धीरे नहीं चला पाते, क्योंकि गियर बॉक्स 6 गियर है इसमें। हाँ, तो अगर हम टॉप गियर लगा देते हैं तो वो 80 के ऊपर ही चलाएं तभी चल पाती है। हाँ, वरना गड़गड़ गड़गड़ करने लग जाती है। हाँ, चेन की आवाज़ तो है, चेन की आवाज़ है, गियर की काफ़ी आवाज़ है। तो मैंने उनको बोला भी था कि इसमें जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी कि आवाज़ बहुत है, तब उन्होंने बताया था कि जो इसकी कंपनी है जावा, अगर उसको हम
मिलर में पढ़े तो उसका नाम ही आवाज है। ये बात दूसरा तो। एक जो सबसे गंदी चीज लगी जाओ वालों की मेरे को, वो इसकी की लगी। मतलब 2.31 कोई भी बंदा 2.21 इसमें खर्च करे और उसको इस तरह की मिले तो वो बहुत एक यार, ये तो बहुत दुख की बहुत दुख होता है। कोई और बाइक देखी थी भाई जब ये ली थी? क्लासिक देखी थी मैंने, थी स्टैंडर्ड भी देखी थी मैंने। मेरा थोड़ा सा बाइक इस तरह का ही लेने का मन था, स्पोर्ट्स बाइक का तो मन नहीं था। हार्ले देखी थी मैंने सेकंड हैंड, वो भी मेरे को ठीक ठाक मिल रही थी। बट फिर जब मैंने ये देखी तो मेरे को लुक वाइज में इस पे मतलब एकदम से फिदा हो गया। जावा वाले थोड़ा सा मतलब ये तो कर रहे हैं, बाइक टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं ऊपर। आप भी बता रहे 10,000 रुपए दिए आपने एक्स्ट्रा हमसे भी, उन्होंने 10 पहले उन्होंने ज्यादा मांगा था इनफैक्ट। अगर मैं सही भाई, ये सब चीज उन कंपनीज के साथ देखी जाती है जिनकी बहुत डिमांड में हो बाइक वगैरह या व्हीकल। डिमांड है इसकी, बट ये है कि अभी मतलब हम जिस एरिया में हैं यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, बट दिल्ली एनसीआर में आप किसी भी शोरूम में चले जाओ तो बहुत डिमांड है इसकी, जावा की हाई लेवल की डिमांड है इसकी, क्योंकि लोग अब ना नया चाहते हैं, सेगमेंट चेंज होते जा रहा है। बुलेट का जो सीजन था, क्लासिक का या स्टैंडर्ड का जो सीजन था ना, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अब नई बाइकों का क्रेज आने लगा है। जैसे आप गाड़ियों में देखें तो गाड़ियों में दुनिया भर की नई कंपनीज आ गई, जैसे किया आ गई, एमजी हेक्टर आ गई, सेम बाइकों में भी सेगमेंट चेंज होते जा रहा है डे बाय डे। सर ये चौथी बाइक है गुड़गांव के अंदर, मतलब अपने यहाँ सोहना है पलवल एरिया में तो होगी ही नहीं भाई, पलवल एरिया में तो है ही नहीं, गुड़गांव के अंदर चौथी बाइक है ये। और जावा वैसे बहुत पुरानी कंपनी है, हेडलाइट की बात करें तो बिल्कुल सेम यसडी वाली हेडलाइट है। अच्छा। आपको शायद याद नहीं होगी क्योंकि यसडी आप लोगों ने नहीं देखी होगी ना, नाम तो सुनी यसडी पहली बार घर गया था तो मेरे जो चाचा जी हैं उनके पास पहले यसडी थी, तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि लाइट तो इसकी बिल्कुल सामने वाली यसडी जैसी है। अच्छा, क्योंकि इस तरह की ही बिल्कुल लाइट आती है। घर वाले बोले नहीं भाई कि ये कौन सी बाइक है ऐसे करके? घर वालों ने तो सर काफी क्वेश्चन किए कि दूसरी सीट होनी चाहिए। अब मैं चला के देखता हूँ एक बार ना इस बाइक को, देखते हैं भाई कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। 6 गियर भाई? हां 6 गियर, पहला नीचे बाकी ऊपर, 5 बाकी ऊपर है। जो केसी बहुत पावरफुल कह रहे हैं वो वास्तव में जेन्युइन सबसे पहले तो भाई जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट तो जरूरी है, थोड़ी सी राइड ली थी हमने तो मैं अपना कुछ बताऊं भाई, इसमें चेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जैसे चेन गड़गड़ कर रही हो। आवाज़ काफ़ी आती है इसमें, बहुत ज़्यादा ही, मतलब गियर चेंज करने में भी आवाज़ आती है। ये क्या सीन है इसका, ऐसे लगता नहीं भाई हमने 2.31 पे करें इसके लिए? लुक वाइज तो मज़ा आया, तो मैंने भी बोला था उनको कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, स्मूथ नहीं है भाई, मतलब स्मूथ नहीं है, इससे स्मूथ बुलेट हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन होती है लेकिन इसमें वाइब्रेशन तो नहीं है। अब वाइब्रेशन नहीं लेकिन आवाज बहुत इरिटेटिंग सी लगती है। अब पिलियन होता साथ में तो हम वो वीडियो में भी दिखा देते लेकिन होती है बट इसका आवाज का ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में मतलब चीजें अवेलेबल होगी तो फिर हम इसको मॉडिफाई करा सकते हैं, स्लेंसर वगैरह चेंज करा पाएंगे इसके। तो ये थी भाई जावा प्राक, एक बार फिर से आप लुक देख लो, ओवरऑल लुक इसकी कैसे निकल के आती है, ऐसे लगता है बंदा बिल्कुल नीचे बैठा हो। एवेंजर जैसी आती है ना फील इसमें। चलो भाई कैसी लगी बाइक आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।